आईएएस पूजा सिंगल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। पूजा के करीबी सीए के घर से भी 19.31 करोड़ कैश मिला है। पूजा सिंगल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, झारखंड की सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात भी रह चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गमन से जुड़े मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंगल और उनके परिवार के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी को रांची में दो परिसरों पर छापेमारी के दौरान कुल 19.31 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। सूत्रों की माने तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल से जुड़े मामले सामने आए हैं। सबसे पहला आय से अधिक संपत्ति, दूसरा अवैध खनन और मनरेगा घोटाला। ईडी ने शुक्रवार को जब पूजा सिंगल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की तो पूजा सिंगल के घर से 19 करोड़ कैश ईडी ने जब्त किया है, जबकि पूजा सिंगल के सीए के यहाँ से 17 करोड़ कैश मिला है। वहीं झारखंड के हाई कोर्ट के वकील ने फरवरी 2022 में पूजा सिंगल के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज की थी। अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पूजा सिंगल के खिलाफ ईडी को मिली थी। पूजा सिंगल पर यह भी आरोप लगा है, रेत खनन के लिए ठेके पसंद ठेकेदारों को दे रही थी। उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन को कोड़ी के भाव खान का आवंटन करने का आरोप भी लगा है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हेमंत और उनके भाई को नोटिस भी जारी किया गया है। हेमंत पर एक खनन लीज पर पद का लाभ का आरोप भी लगाया गया है। बहरहाल इससे यह पता चलता है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस तरीके से फैल रहा है। राज्य में बिना धन और रिश्वत के कुछ भी नहीं हो सकता है। पूजा सिंगल के सीए रोशन के रांची आवास पर ईडी की टीम अभी भी मौजूद है। पूजा सिंगल के सरकारी आवास और उनके सीए के यहाँ छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। सबसे पहले तो पूजा सिंगल पर यह आरोप लगा है कि आय से अधिक संपत्ति कहां से आई। दूसरा अवैध खनन और मनरेगा घोटाले का भी उन पर आरोप लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और न्यायालय में बैठे कानून व्यवस्था किस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक आईएएस के घर से इतना बड़ा रकम मिलने के बाद भी जो है अरेस्टिंग नहीं हुई है और इस तरीके से अहम दस्तावेज भी उनके घर से मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित आवाज, दिल्ली।